اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي ستني الماء ربي ستني الماء ربي ستني الماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته everybody. उम्मीद करती हूं आप लोग सब बखैर वाफियत से हैं. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेशन खूब हीटेड जा रहा है. इतनी शानदार एक के बाद एक स्टोरी सांस भी नहीं लिया बच्चियों ने, लेकिन सब ने उसके बाद सुभान अल्लाह जो कारगुजारियां दी, फीडबैक्स जो थे उन सब बच्चियों के, दे वर सो पॉजिटिव. अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान. तो माशाल्लाह यहाँ पर हम जो 316 है, उम्मीद करती हूँ कुछ नई बच्चियां होंगी, कुछ पुरानी बच्चियां होंगी. तो बिगिन विद मुझे ये बताइए, जो पुराने हैं उन लोगों ने नयों को बुलाया, इन्वाइट किया था नहीं किया था आज के सेशन के लिए? मैं सबसे सवाल कर रही हूँ कि आप लोगों ने फिकर करी थी इनवाइट करने की, या फिर मुझे आपसे दूसरा सवाल ये कि मुझे ये बताइए, फीडबैक मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि जैसे कि उस बच्ची का कहीं फीडबैक ये था कि हमें इस कुरान से तब्दीली आई, हमें इसकी वजह से तब्दीली आई, उसकी क्या सुभान अल्लाह बिनतुल मुस्लिम से जुड़ने की वजह से सुभान अल्लाह आप लोगों में तब्दीली आई, क्या आप में से कोई हैंड रेस करेगा और अपना हिस्सा लगाना चाहेगा? यस मैम, नहीं फटाफट क्विकली रेज योर हैंड एंड जल्दी से मुझे फीडबैक दीजिए अपना क्विकली. जी रुबीना आप, अस्सलाम वालेकुम. जी साइमा. जी लाइबा. सलाम वालेकुम. आप ही? वालेकुम अस्सलाम. जी मुझ में बहुत तब्दीली आई है बिनतुल मुस्लिम के बयानों से, बहुत ज्यादा. पहले मैं नमाज मतलब डीले कर देती थी, अब बिल्कुल नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए नमाज जरूर पढ़ती हूँ. अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख और लाख कुछ खुशू वाली नमाज पढ़ती हूँ माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. लाइबा लाइबा साइमा फातिमा एंड एवरीबॉडी आउट हियर जितने भी मौजूद हैं, देखिए मोमिन जो है ना उसकी मिसाल ही यही है. वो मोमिन है ही ऐसा कि वो खुश होता है, खुशी में सबको इनवाइट करता है, खुशी को सबके साथ शेयर करता है, फायदा सबके साथ शेयर करता है. शैतान जो है ना हसद वाला था, उसको बर्दाश्त नहीं था आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए उसने उनको नाउजुबिल्ला जन्नत से निकालने की मकर करा. हमें फायदा हो रहा है ना, और माशाल्लाह मैं आप लोग सबके फायदे सुनूंगी. आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी. आज लास्ट डे है हमारी ग्रांड उसका प्रोग्राम का, तो ये फायदा हमें शेयर करना है लाइव इंशाल्लाह ताला. जी साइमा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मैम, रहमतुल्लाह बरकातु. अल्हम्दुलिल्लाह मैम, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं दीन से कैसे कनेक्ट हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये था कि मैं जब मैं 12th 11th स्टैंडर्ड में गई थी, तो उस वक्त मैं पूरे अपने दुनिया के माहौल में थी, सारा कुछ मेरा दुनिया था. फिर मेरे मुझे एक फ्रेंड मिली जिसका नाम आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल गई, लेकिन वो नॉन मुस्लिम थी. वो मुझे कहती थी कि तुम मुस्लिम हो तो मुझे दीन सिखाओ. तो मैं बोलती थी कि याला मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तुमको सिखाऊं क्या. तो मैं बहुत फिकर करती थी, मुझे बहुत हया और शर्म आया कि बताओ मैं मुसलमान घर में पैदा होकर भी, और मैं 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी मुझे कुछ अल्लाह के बारे में नहीं पता. और इवन मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त कि हमारे जो लास्ट प्रॉफिट है और जो इतना हम लोग के लिए करके गए, और उनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था उस वक्त तक. फिर मैं धीरे धीरे दीन से कनेक्ट, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक फातिमा जावेद करके एक लड़की, जब फर्स्ट डे से जब ये ग्रुप बना बिनतुल मुस्लिम, उस दिन उसने मुझे ये बताया कि एक वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला, तुमको उसमें हम ऐड कर रहे हैं. मैंने ठीक है. और जब वो प्लेटफॉर्म मिला अल्हम्दुलिल्लाह बिनतुल मुस्लिम का, इतना चेंज इतना चेंज. सबसे पहले तो मुझे मेरे सारे एक एक दिन का किया हुआ गुना, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे सामने पर्दे पे दिखाया जा रहा है, हमको ऐसा फील होता था. और फिर मैं हर दिन अल्लाह से तौबा करती थी. फिर मैं परेशान होती थी कि अल्लाह हम ये गुनाह करके बैठे हुए, हम ये गुनाह करके बैठे हुए, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया. और फिर जब हम मेरा गुस्सा बहुत तेज था, बहुत एक्सट्रीम था, मेरे घर वाले परेशान थे हमसे, मेरी अम्मी हमसे हाथ जोड़ जोड़ कर रोती थी, दुआ करती थी कि तुम बेटा इतना गुस्सा मत क्या करो, तुमको बाहर जाना. और हम अब ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बिनतुल मुस्लिम से खुद सुनते हैं, और हम इतने लोगों को इस ग्रुप का लिंक भेजे, इतने ग्रुप लोगों को इस ग्रुप, हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे सारे लोगों को इस ग्रुप का लिंक भेजे.
फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं खुद एक अपना हलका शुरू किया, अपने मोहल्ले में शुरू किया, जो जुमरात को होता है वहाँ हम खुद यहाँ पर से जो सीखते वहाँ हम सिखाते। फिर हमको TIC का एक क्लास मिल गया, वो हमको इतना संवार दिया, हमको इतने बेहतरीन तरीके से दीन सिखा दिया कि हम अब हम इतने हो गए कैपेबल कि हम किसी को भी हम सिखा सकते हैं, इवन हम अपने घर वालों को सिखा सकते हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को सिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, TIC को हमको बैलेंस कर दिया, बहुत बैलेंस किया TIC। और बिनतुल मुस्लिम का स्पेशली ग्रेट थैंक्स टू डॉक्टर अफशा पी, अफरोज जाफरी मैम, डॉक्टर असमा जहरा मैम, और वो लड़की वो हमको बस एक बार कनेक्ट करके वो मेरी जिंदगी से चली गई। मुझे पता भी नहीं चला कि वो कौन थी जिसने मुझे बिनतुल मुस्लिम से जोड़ा था, मालूम ही नहीं कि वो लड़की है कौन, बट वो उसने मुझे जोड़ दिया था। और फिर मैं बहुत लोगों को जोड़ रही हूँ और जोड़ती रहती हूँ, और हमेशा सबको बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, प्लीज बिनतुल मुस्लिम से जुड़ जाइए, प्लीज बिनतुल मुस्लिम से जुड़ जाइए। मैं जहाँ जाती हूँ, जिससे मिलती हूँ, मैं शादी में जाती हूँ वहां बिनतुल मुस्लिम का ऐड करती हूँ, मैं फ्रेंड्स से मिलती हूँ वहां बिनतुल मुस्लिम का ऐड करती हूँ, जहां जाती हूँ वहां बिनतुल मुस्लिम को फैलाती हूँ। कोशिश यही कि हर लोग बिनतुल मुस्लिम से जुड़ जाए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अल्लाह पाक आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अपने इल्म में से इल्म दे, और अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिहेवियर इतना अच्छा हो गया, सब लोग मेरी तारीफ करने लगे, और हमको दुआ मांगने इतना अच्छा आ गया कि हम पूरे हलके में दुआ के लिए मांगते हैं, सब मेरे पीछे दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। पता है सायमा, खाली एक आपका मसला नहीं, इतनी बच्चियां हैं हमारे आसपास, इतनी बेटियां हैं, इतनी इतनी इल्म ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको, उनको सब कुछ पता है, नहीं पता उन्हें, बिल्कुल नहीं पता। हम हमारे दीन के बारे में पता ही नहीं, तो हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम बताएंगे क्या दीन कितना खूबसूरत है। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहु मैम, कैसे हैं? यार यू जी मैम, मुझे भी बिनतुल मुस्लिम जब से ज्वाइन किया, मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। पहले मैं नमाज वगैरह तो पढ़ती थी, लेकिन बाकी इतना दीन का नॉलेज मुझे नहीं था, जो बिनतुल मुस्लिम के थ्रू गिरा मालूम हुआ। और मैं एक चेंज जो मेरे में हुआ है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है, वो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कि अभी अपने जैसे इसके सेशन बीच में वर्कशॉप एक हुआ था कि जो कर्नाटक में चल रहा था, तभी लिया था, तब से मैं, मेरे दिल में तो बहुत था कि मैं भी यूज करूं। मैंने फिर ऑफिस छोड़ के बाहर पहनना शुरू तो किया था, बस मैं ऑफिस में नहीं कर पा रही थी कि वो हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं नकाब के साथ ऑफिस जा रही हूँ, ये मतलब एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे में। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अभी घर पे भी सबको धीरे धीरे इसके लिए तैयार करूं। और माशाल्लाह, इट इज अमेजिंग, सुभानअल्लाह। देखिए हमारी जो फाइट है ना, ये दुनिया, ये माहौल, ये शैतान, ये नफ्स के साथ है, तो एक फाइट ये दुनिया के साथ जो थी ना आपकी, आपने उसको पीछे करा और अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गई, माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे और आप औरों के लिए माशाल्लाह दावत का जरिया, हिदायत का जरिया बने, आमीन या रब्बल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैमसंग लाइबा, आप में से जल्दी से जिस किसको हैंड रेस करना है फटाफट हिस्सा लगाए, हैंड रेस करें, फिर अदरवाइज मैं अपना टॉपिक फिर शुरू करूंगी। तो जी लाइबा, क्विकली जी, आप ही मैं बताना चाहती हूँ, मैंने पर्दा करना 2022 में शुरू किया, मुस्लिम सुनने लगी, पर्दे में आ गई, म्यूजिक छोड़ दिया, सबसे बड़ी बात म्यूजिक छोड़ दिया, अब बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान। जी फाइजा, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आप ही, आमीन आमीन। जी क्विकली, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हासिल हुआ, नमाज वगैरह की पाबंदी थी, तबलीगी जमात से जुड़ा था, लेकिन जो चीजें कुछ नहीं मालूम थी वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत अल्लाह ने जो है फरमाए, अल्लाह सबको जदाय खैर अता फरमाए। बस एक ये चीज है कि जो शादी वगैरह में जाते हैं वहाँ बेपर्दगी होती है, वहाँ किस तरह करें, मतलब पूरे बुरके में रहना
किस तरह करें, वो थोड़ा सा मसला है, बता दीजिए। सवाल का जवाब अभी इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी जब बात पेश करूंगी तो उसमें आपको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। जी इफ्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जैसे यहाँ पर बहुत सारे जन अपना अपना बताया, मैं भी अपना बताना चाहती हूँ कि मैं जब 11 में थी ना आपकी, तो मैं भी है ना डांस, सिंग, म्यूजिक सब में बहुत इन्वॉल्व रही, पर अल्लाह ने मतलब ऐसा किया, और आप लोग का भी सुनी और भी बहुत सारा जन का सुनी, उस दिन से मैंने मतलब म्यूजिक को एकदम ही बंद कर दिया, डांसिंग भी और हिजाब भी स्टार्ट कर दिया, पर अभी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रही हूँ पर्दे से भी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को खूब कबूल फरमाए, या खूब कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्विकली बेटा, अगर आपने हैंड रेज कराया तो जल्दी से माइक पे भी ध्यान रखा करें कि आपको रिक्वेस्ट दी जा रही है, आप अनम्यूट करें, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबके दिलों में चाहते भी होंगी और आप लोग सब अनम्यूट करना भी चाहते होंगे, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है कि 10 मिनट ही मुझे आप लोगों का फीडबैक लेना था, तो वो मेरा पूरा हुआ। देखिए अब आगे चलते हैं। गुनाह, गुनाह नहुसते और हराम और ये सारी चीजें हमने सुन ली। अब सुभान अल्लाह, आप में से इतनी सिस्टर्स मौजूद हैं जो मैं उम्मीद करती हूँ, और ज्यादातर इनमें से ऐसे ही होंगे जो गुनाहों के, जिनके डिस्कशन हो रहा था उससे बहुत दूर, ये उसको छोड़ के आगे आगे, तभी तो अल्लाह ने यहाँ पर तौफीक दी। लेकिन अब बात समझने की ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्यों भेजा है, अपनी इबादत के लिए भेजा है। इबादत का तो हक हम पूरा नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं। और इबादत में भी इखलास की कमी तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं, तो हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी, गुनाहों को छोड़ना है, और गुनाहों को छोड़ना और गुनाहों से तौबा करने का बेहतरीन तरीका क्या? अच्छा, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के सवाल आते हैं कि बाजी मुझे एहसास है, मुझे पता है कि ये गुनाह है, लेकिन वो छूटता ही नहीं, मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, आदी हो गई हूँ। तो देखिए, मेरे लिए तो छोड़ना नामुमकिन, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए तो छुड़वाना कोई इम्पॉसिबल है? अल्लाह ताला के लिए तो हर चीज पॉसिबल है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात समझने से पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह, हमें अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, हमें अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ही गुनाहों की जिल्लत से हमें दूर कर दे। अल्लाह दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इस गुनाहों की जिल्लत से हमें बचा लीजिए, अल्लाह इज्जत भरी जिंदगी अता फरमा दीजिए, अल्लाह ताला नेकोकारी वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। देखिए सुभान अल्लाह, जब नुकसान का डर होता है ना तो गुनाह छोड़ना आसान हो जाता है। इस बात का गम, इस बात का नुकसान पहले तो समझना कि गुनाहों की नहुसत से मेरी दुनिया भी खराब, मेरी आखिरत भी खराब। गुनाहों की नहुसत से फिजिकली मेरा जिस्म खराब हो जाता है, मेरी बॉडी, मेरे फिजिकल सेल्फ, इनसाइड की तो बात ही नहीं हो रही, फिजिकल सेल्फ खराब, और मेरे अंदर की तमाम रूहानियत, माई स्पिरिचुअल सेल्फ भी जल के राख हो जाती है। इमोशनली मैं ड्रेन्ड हो जाती हूँ गुनाह करते करते, और सुभान अल्लाह सोशली भी मैं गुनाहों से की वजह से जो है ना एक अजीब ही पर्सनैलिटी हो जाती हूँ। जैसे कि अभी एक बच्ची ने बताया कि गुस्सा करना छोड़ दिया, नेकोकारी की जिंदगी आ जाती ना तो सोशली भी हम ब्यूटिफुली फिट होने लगते हैं। देखिए हमारे अंदर जो है ना, हमारे अंदर है ही नहीं, क्या कहते हैं, मिजाज हमारा जाता नहीं है गुनाह के साथ, अच्छे से जेल नहीं होता है। इस वजह से सुभान अल्लाह जब हम गुनाह वाली जिंदगी करते हैं ना तो हम खुश नहीं रहते, हम बहुत ही दिल में एक डिप्रेशन, एक सैडनेस, एक अजीब सी कैफियत रहती है कि अच्छा ही नहीं लगता कुछ, अच्छा ही नहीं लगता कुछ। सुभान अल्लाह, देखिए अगर मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि सांप दिखने में कितना खूबसूरत, चिकना चिकना सा, एंड स्नेक स्किन्स के पर्सेस वर्सेस जैकेट्स होते हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन हम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि हम सांप के पास जाएं और उसको हाथ लगा लें? नहीं भाई, हम डरते हैं सांप से। आग के शोले कितने अच्छे लगते हैं,
आग का कलर कितना खूबसूरत होता है कि हम में से इतनी किसी के अंदर है कि आग को जाके टच कर ले, नहीं टच कर सकते, हम डरते हैं आग जला देगी। देखने में चीज कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन उसके पास नहीं जाते उसके तबाह और बर्बाद होने के डर की वजह से। इसी तरह मेरा दिल है, अल्लाह ताला इस दिल में रहते हैं, अल्लाह ताला ना जमीन में रहते हैं ना आसमान में, अल्लाह ताला मोमिन के दिल में बसते हैं। और मेरे दिल को ये समझ में नहीं आता, मेरा दिल खराब हो जाता है गुनाह जब मैं करती हूँ तो। सुभान अल्लाह, इस बात को समझना, इस बात को दिल पे उतारना, इस बात का वजन दिल पे लेना कि मेरे अंदर जो है ना गुनाह करने वाली सिफात ही नहीं है, गुनाह करना मुझे पसंद ही नहीं है, मेरी तबीयत ही गुनाह के खिलाफ है, मेरा मटेरियल जो है ना गुनाह वाला मटेरियल नहीं है। जब मैं गुनाह करती हूँ ना तो मेरी रूह ऐसी हो जाती, जख्मी रूह जख्मी हो जाती है। जरा किसी जख्म को इमेजिन तो करें, हाथ में कोई एलर्जी हो जाए, एक्जिमा हो जाए और फिर उसको खुजाओ 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 खुजाओ, क्या होता है, खून निकलने आ जाते हो, फिर डॉक्टर बाद में क्या कहते हैं, अगर इसका ध्यान नहीं रखा ना तो ये हड्डी तक पहुंच जाएगा। बस जब गुनाह करते हैं ना तो हदीस मुबारक के मफहूम में दिल पे सिया नुक्ता लग जाता है, दिल काला हो जाता है। जब गुनाह करते हैं ना तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि नाउजुबिल्लाह एक कैंसर का पेशेंट है। इमेजिन तो करिए, चारों तरफ कैंसर के पेशेंट कहीं ना कहीं दिखने मिल जाते हैं, और वो भी कौन सा वाला, स्प्रेड होने वाला कैंसर। हम किसी जीने के पास कहीं रोड पे चल रहे हैं, अगर नीचे स्टेप्स आ रहे हैं या ऊपर कोई स्टेयर्स आता है चढ़ने के लिए तो उधर क्या होता है, वॉच योर स्टेप्स। बस हमारा क्या कहते हैं, हम गुनाह करेंगे 100% करेंगे, 100% गुनाह होगा, बट वी नीड टू वॉच आवर स्टेप्स। बस अच्छा, अब सुभान अल्लाह गुनाह करने के बाद जो है ना नफ्स पे एक वजन आ जाता है, एक गिल्ट आ जाता है। सुभान अल्लाह, ये आपकी ईमान की अलामत है कि हाँ मैं गुनाह करती हूँ और उसके बाद मेरे ऊपर क्या कहते हैं, मेरा ईमान है इतना कि जो मुझे एटलीस्ट अलर्ट करता है। जब ईमान वाला बंदा गुनाह करता है ना तो उसके असरात जो है नफ्स पे दिखते हैं, हमारे दिल पे दिखते हैं, गिल्ट होते हैं। और ये नहीं, उसके असरात हमारे घर पे भी दिखते हैं, हमारे काम खराब होने लगते हैं। जब गुनाह करते हैं ना तो हमारी जो फैमिली रिलेशनशिप है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप, वो एक अजीब गुनाहों की नहुसत की वजह से स्ट्रेन हो जाता है। अम्मी अब्बा के साथ रिलेशनशिप है, वो एक स्ट्रेन हो जाता है, जबरदस्ती की अम्मी बच्चे को डांटती है, बच्चे को अम्मी डांटती है, अम्मी बुरी लगती है, एक अजीब माहौल में घर में तनाव आने लगता है। आपस में जो हमारा कारोबार में खराब होने लगता है, जो हमारे मातहत है वो हमारे सुनते ही नहीं है। जब एक हमारी हमारे परेशान, मतलब गुनाह की नहुसत ऐसी है कि उसके असरात महसूस होने लगते हैं। इसको मैं किस तरीके से बताऊं कि देखिए दुनिया के अतबार से कि कोई भी चीज है, अगर हमने कोई करा, अगर हमने कोई अच्छी सी स्पाइसी चीज खाई तो जुबान पे मिर्ची लगेंगी नहीं लगेंगी, लगेंगी क्योंकि जुबान है इसलिए लगेंगी। कोई भी चीज करते हो तो उसका इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही ईमान वाला जो होता है ना, मोमिन बंदा होता है, उसको लग जाता है, उसको महसूस होने लगता है कि ये जो मैंने काम करा था इसके इफेक्ट्स हैं। अब ईमान वाला बंदा क्या करेगा, इफेक्ट्स देख के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा? नो 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 नो, जैसे कि सफेद कपड़े पे धब्बे लग जाते हैं हम क्या करते हैं, स्टेन रिमूवर तलाश करते हैं, उसको धोते हैं। कोई भी चीज गिर जाती है, अकल क्या कहती है, गिर जाती है तो उठा लो, दरवाजा खुल गया तो बंद कर दो, हाथ तो हाथ काम कर लेते हैं। और दुनिया के अतबार से हाथ तो हाथ करना आसान होता है, कुछ हमने चॉपिंग कटिंग करी टेबल पे छोड़ दिया, उसको फौरन क्लीन करना आसान है, ये 4 दिन के बाद जब वो जम जाए, शहद गिर गया, शक्कर गिर गई, जम जाए, चूटियां उस पर पड़ गई तो उसको क्लीन करना आसान है, डेफिनेटली फौरन क्लीन करना ना। हाथ तो हाथ, पुरानी गंदगी साफ करना ज्यादा मुश्किल नई गंदगी से कंपैरिजन में। तो देखिए गुनाह तो होंगे, हम हैं ही गुनाहों का पुतला, गुनाह करते ही रहेंगे, करते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह गुनाह की वजह देखेंगे। जैसे कि अभी माशाल्लाह रुबीना आपने अपना एग्जाम्पल दिया, और ऐसे मुख्तलिफ देखिए गुनाह करने की सोर्सेस क्या होती हैं। एक तो नफ्स होता है,
दूसरा शैतान, पहले तो दुनिया, दुनिया के बाद आती है, दुनिया में ही माहौल हमारा, माहौल में आ जाता है शैतान, शैतान के बाद आता है नफ्स। अब सबसे पहले तो हमारी फाइट है दुनिया के साथ। देखिए कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा की आज हम सुबह में तर्जमा तफसीर कर रहे थे, तो उसमें क्या आयत है, आयत मुबारक का मफहूम है, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने हिफाजत का सामान जमा करो। तो ये दुनिया है, इससे लड़ना है, ये मेरी फाइट है, इसके लिए मुझे पहले देखना है कि मेरी दुनिया से फाइट है या नहीं है। इफ यस, मेरी दुनिया से फाइट है, तो मुझे उसको काटना होगा, उससे लड़ना होगा और उसको लड़के जीतना होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी दुनिया की फाइट निपट गई। अब माहौल है जिस घर में आप रह रही हैं या वट एवर, जिस फ्रेंड सर्कल है, जो आपकी सोहबत है, जो आपकी वर्क प्लेस है, वो जो माहौल है, उस माहौल को तब्दील करना होगा, उस माहौल से बचना होगा, उस माहौल को दुरुस्त करना होगा। ये फाइट आपने दुरुस्त कर ली, अब जो आ जाता है ना नफ्स और शैतान, ये तो पक्के दोस्त है। हमारा जो नफ्स है ना, ये जो हमारी तबीयत है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको फरिश्ता सिफत भी और इसके अंदर हैवानी सिफत भी दोनों डाली है। ये जो टॉपिक है ना बड़ा ब्यूटीफुल, और इसको इलैबोरेट जितना करना चाहे कुरान अजीम की आयतों के साथ और सुभान अल्लाह हदीस मुबारका के हवालों के साथ उतना मजा आएगा, लेकिन चूंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड ऑलमोस्ट आप सारी बातें दो दिन से सुनती भी आ रही हैं, तो मुझे कंक्लूजन करना है इन बातों का, इसलिए आपको क्विकली समझा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। जस्ट गिव मी अ थम्स कि हाँ हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम समझ में आ रहा है, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। तो ये जो नफ्स है ना, ये पक्का है, इसका जो है ना, ये इसकी शैतान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। नफ्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना एक हैवानी सिफत और फरिश्ता सिफत, इसके बारे में भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये दो चीजें डाली हैं अल्लाह ताला ने। अब इसको जिस तरीके से हम टेम डाउन करेंगे और ट्रेन करेंगे, वो वाली सिफत इसकी निकल कर आएगी, सुभान अल्लाह। अब क्या कहते हैं, ये जो शैतान है ना की क्या मर्जी है, ये ना हमें डालता है डाउट्स में एंड लस्ट में। अब डाउट्स में कैसे डालता है, शुबहात में कैसे डालता है, कि पहले तो मैं बताऊं शहवात में कैसे डालता है। अब बहुत क्या कहते हैं गैदरिंग है, उसका डेकोरेशन करना है, डेकोरेशन करना है, तो अगर उसको डिवाइड कर देंगे हॉल को एक मेल सेक्शन एंड फीमेल सेक्शन, तो डेकोरेशन खराब हो जाएगा। तो ये पैसा लगा रहे हैं हॉल पर और उसको दिखाना है, ये शहवात ही है। दुल्हन है, लाख रुपए का उसका जोड़ा लिया है और उसका फिर इतना बड़ा डायमंड का सेट एंड गोल्ड का सेट और ये झूमर और पता नहीं क्या क्या लगाया है उसको, तो दिखाना है उसको, तो खरीदा है तो दिखाना है, दिस इज ऑल शहवात। तो ये किसका काम है, ये शैतान का काम है, ये करवाता है। हम सोचते हैं कि सुभान अल्लाह वो जो बातें हुई हैं अभी तक और वो जो हुई हैं ये सब, ये तो चुपके वाले गुनाह है, लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐलानिया गुला करवाता है, प्रेजेंटेशन के बहाने, ब्यूटी के बहाने, लोगों के बहाने, माहौल के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने, न जाने कैसे कैसे ऐसे ऐसे गुनाह घुमा फिरा के करवाता है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर इसकी बात नहीं मानेंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे तो हो जाएगी कट्टी, शैतान और नफ्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब देखिए सुभान अल्लाह, जब हम अपने नफ्स को अच्छे कामों में लगाएंगे, नेकोकारी के कामों पे लगाएंगे, तो सुभान अल्लाह हो जाएगा नफ्स पावरफुल, शैतान के आगे हो जाएगी उनकी दुश्मनी, कट्टी हो जाएगी। आज पता नहीं कहाँ से वो कट्टी बट्टी याद आ गई, बचपने की लफ्ज, तो वही कट्टी हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, अब ये जो शैतान है ना, देखिए सबसे पहले बात कहाँ से शुरू होती है, इसको इस बात को दिल पे उतार लें और अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब हम सोते हैं ना, तो शैतान ना तीन ग्रह लगाता है, तीन ग्रह लगाता है गुट्टी में, हदीस मुबारक का मफहूम है, और क्या कहता है, सो जा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत रात है, अभी तो तू आराम कर ले। और अगर बंदा सो जाता है तो शैतान उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, अब तो शैतान उस पर हावी, अब तू देख सुलाया तो है ही, लेकिन अब दिन भर कैसे घुमाएगा, कहाँ कहाँ घुमाएगा और क्या क्या करवाएगा, जिसका तुझे गुमान भी नहीं, तुझे उम्मीद भी नहीं और तू चाहता भी नहीं। और अगर हमने उसको पछाड़ दिया, उड़ गए तो एक गांठ खुल गई, फिर वजू कर लिया तो दूसरी खुल गई, और सुभान अल्लाह अगर हमने फजर की नमाज पढ़ ली तो तीसरी ग्रह खुल गई। नाउ वी विन ओवर शैतान, एंड अब ये
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सुभान अल्लाह, दिन भर हम इसके हमले में से निकल जाएंगे। और सुभान अल्लाह, आप सब जानते हैं कि जब हम फजर की नमाज पढ़ लेते हैं ना, तो दिल कितना खुश होता है। वी फील लाइक सो मच। जब हदीस मुबारक का मफहूम है, जब बंदा सुबह में उठता है और अल्लाह का नाम लेता है, तो उसके हाथ में अल्लाह का झंडा होता है, हमारे हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, हम कामयाब हो जाते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी अब आप लोग ये नफ्स और ये शैतान की फ्रेंडशिप समझे, उम्मीद करती हूँ समझ गए। और इन लोग दोनों को कैसे आपको लड़ाई, ठीक है, ये बात भी। अब ये मजीद अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, जो मुझे और आपको इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग बना के उठना है यहाँ से। देखिए सुभान अल्लाह, नफ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, अस्तगफार करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुनाहों से मांगना। अल्लाह पाक मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह पाक को बहुत पसंद है माफी मांगने वाला। अल्लाह पाक तो उसको बहुत सारी नियामतें दे देते हैं माफी मांगने वाले को। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दी, गुनाहों से माफ। इसके बाद सुभान अल्लाह, देखिए नेकियों में सबकत करना। अब नेकियों में सबकत कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले बावजू रहने की कोशिश करना। जब बंदा वजू करता है तो हाथों को छोड़ते, कुल्ली करता है तो जुबान के गुना, और सुभान अल्लाह ऐसे ही तमाम आज़ाओं के गुना धुल जाते हैं। और जब वजू के बाद की क्या दुआ है, सुन्नत है, अल्लाहुम्मा जालनी तवाबीना वजालनी मिनल मुततहिरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मंगवा रहे हैं, यकीनन हम लोग पाक साफ हो गए, फ्रेश, फिर उसके बाद क्या, नमाज पढ़ ली। तो सुभान अल्लाह, हदीस मुबारक का मफहूम है, जब बंदा नमाज पढ़ता है गोया ऐसा ही जैसे कि अभी नहर से नहाया, 5 times आपने गुसल कर लिया, डुबकी मार ली पानी में, तो कोई मैल बचेगा, नथिंग लेफ्ट, कोई गुनाह बाकी नहीं। एक नमाज के बीच में दूसरी नमाज के बीच जो गुनाह हुई फटाफट साफ हो गए, और उसके बाद मजीद नमाज के बाद कह दिया अस्तगफुरुल्लाह, और साफ गुनाहों का भी, जो नमाज में भी जो कमी पेशी हुई उसका भी कफारा हो गया। अफकोर्स जो वाजिब नहीं था, ये तो वाजिब के लिए हमें सजदा सहव करना, और नमाज की अगर फराइज छूट गए तो नमाज ही रिपीट करनी पड़ेगी, तो अस्तगफार कर दिया। तो सुभान अल्लाह, देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही जरूरी है, इसको जरा मजबूती से पकड़ना कि मैं नमाज, मेरी जरूरत, नमाज मेरे लिए कर रही हूं मैं। फिर सुभान अल्लाह, मजबूत जिक्र का एहतमाम करना, और फिर सुभान अल्लाह बता दिया नफ्स के लिए क्या है, ये नफ्स की इस्लाह के लिए क्या है, रोजा रखना। रजब आ रहा है, रजब चला गया, आज 20th रजब हो गई, शाबान इज अबाउट टू कम। मैं आप लोग सबको दावत देती हूँ, दिल से दावत देती हूँ, और दुआ भी करूंगी, और आप लोग सब जो मौजूद हैं वो भी एक दूसरे के लिए दुआ करना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह ताला आई प्लान टू इंशाल्लाह ताला हैव अ प्रोग्राम, हाउ टू स्पेंड माई कम्प्लीट डे अकॉर्डिंग टू सुन्ना। प्रोग्राम है 11 से 12, 1 घंटे का प्री रमजान प्रिपरेशन हो रही है, कम एंड ज्वाइन, मजा आएगा। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज देखिए मसला है आने का, सीखने का। रिकॉर्डिंग तो हमारे पास पूरे यूट्यूब में भरी हुई है, ना जाने कौन कौन सी वेबसाइट में कितनी रिकॉर्डिंग्स भरी हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं है, आना, बैठना, सीखना और लेके जाना। तो कल का प्रोग्राम यही है इंशाल्लाह ताला कि हाउ शुड आई स्पेंड माई डे अकॉर्डिंग टू सुन्ना, द आइडियल डे कैसा होना चाहिए। आप लोग जुड़ने की फिक्र करिएगा। फिर देखिए सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी, रमजान शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। अब तो हो गई 10 दिन और, अगर आपको पीर जुमेरात की आदत है तो रखे, नहीं तो कोई रोजा नहीं है रजब का, लेकिन इंशाल्लाह ताला शाबान में हम कसरत से रोजे रखेंगे, बचा कुचा नफ्स सीधा हो जाएगा, और फिर रमजान आएंगे ना तो बिल्कुल ही सीधा। तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कोई मगफिरत मांगने वाला, वो है वक्त, सुभान अल्लाह, बेहतरीन वक्त अपनी गुनाहों से तौबा करवाने का। फिर सदका निकालना, सुबह उठते ही सबसे पहले सदका निकाल दें। सदका से क्या होता है, गुनाह माफ होते हैं, सदका से क्या होता है, बलाएं टलती हैं, धुल जाते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर है हमारे लिए, फैब्रिक स्टेन रिमूवर है, सुभान अल्लाह। उसके बाद देखिए
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ तो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बता दी, अभी दोबारा बता रही हूँ कि इस दिल में फिक्र डाल दें कि रमजान मुबारक में हर शब व रोज में जहन्नम के कैदी आजाद होते हैं, हदीस मुबारक में रमजान मुबारक में अल्लाह पाक हर किसी की मगफरत कर देते हैं, तो मैं और आपकी दुआ ये हो। और सुभान अल्लाह, वो जो शब कदर की रातों की दुआ क्या है, हजरत आयशा ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अमल हो, तो क्या बताया, अल्लाहुम्म इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल अफ्फ अफ्फ। तो देखिए अभी से फिक्र करना कि अल्लाह पाक की जो रमजान आ रहा है ना, इस रमजान में अल्लाह पाक मैं दौरे कुरान करने वाली बन जाऊं। 100% रिजल्ट है दौरे कुरान की, ट्रस्ट मी, किसी भी उस्ताज़ के अंदर आप करिए जिसका आपका दिल मिलता हो, लेकिन देयर इज 100% पूरे कुरान का दौर हो जाता है यार, मजा आ जाता है, एक एक आयत से गुजर जाते हैं, ना जाने कौन सी आयत को मेरे दिल की तार हिला दे। नियतें करें कि इंशाल्लाह दौरे कुरान में करूंगी, और अल्लाह से कहें अल्लाह आपने तो कुरान में शिफा रखी है, अल्लाह मेरे रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर करके अल्लाह मेरा दिल बदल दे, अल्लाह ये रमजान इनकलाबी रमजान हो जाए, अल्लाह इस रमजान में मैं बदल जाऊं, अल्लाह इस्तकामत मिल जाए, अल्लाह हिदायत मिल जाए, मांगना अल्लाह से और इंशाअल्लाह इसके लिए तैयारी भी करना। और सुभान अल्लाह देखिए तौबा करना, अब बोलेंगे अस्तगफार, अभी आपने कहा बोल रही तौबा, व्हाट इज दिस, इट इज तौबा इज फॉर द पास्ट व्हाट आई डिड, जो मैंने कर चुकी हूँ, एंड तौबा इज फॉर द फ्यूचर कि अल्लाह पाक आइंदा नहीं करूंगी, अल्लाह इंशाल्लाह आइंदा नहीं करूंगी। अल्लाह पाक अभी हाथों हाथ कर लेते हैं हम लोग तौबा कि अल्लाह पाक मैंने आंखों के जितने गुनाह करे अल्लाह आप माफ कर दीजिए, अल्लाह इस जुबान के गुनाहों को माफ कर दीजिए, अल्लाह इस कानों के गुनाहों को माफ कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह इस खाल के गुनाह को माफ कर दीजिए, इस बाल के गुनाह को माफ कर दीजिए, अल्लाह मेरी सुस्ती काहिली के गुनाह को माफ कर दीजिए। कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सुस्ती मत करना, हम लोगों के अंदर कुट कुट के सुस्ती भरी हुई, सुबह उठने को बोलो उठने को तैयार नहीं है, रात में सोने को बोलो सोने को तैयार नहीं है, ये करने को बोलो वो करने को तैयार नहीं, कर लेंगे सब कुछ लेकिन नमाज भी टाल के पढ़ेंगे जब मालूम है अब वक्त खत्म होने वाला है कि अब तो पढ़ लो, हर चीज में टालते हैं हर चीज में टालते हैं। अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह पाक मेरी सुस्ती को आप दूर कर दीजिए, अल्लाह मेरी गफलत को दूर कर दीजिए, अल्लाह ताला मेरी बुखल को दूर कर दीजिए, अल्लाह ताला मेरे हसद को दूर कर दीजिए, अल्लाह मेरे झूठ बोलने को दूर कर दीजिए, अल्लाह मेरे वक्त जाय करने को दूर कर दीजिए, अल्लाह मेरे इतने गुनाह जो मैं करती हूँ जान के अल्लाह वो भी दूर कर दीजिए, अल्लाह खामोशी वाले गुनाह को दूर कर दीजिए, अनजाने में किए हुए गुनाह को दूर कर दीजिए, अल्लाह ऐलानिया किए हुए गुनाह को दूर कर दीजिए, अल्लाह जहालत के वक्त किए हुए गुनाह को दूर कर दीजिए, अल्लाह अगले पिछले अल्लाह आप सब माफ कर दीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए और अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा दीजिए। بس اللہ پاک کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔